हाय गाइस, आजकल आप लोग का मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड होता है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स का जो टाइम है वो आप स्पेंड करते हो सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी आईज में जो ये प्रॉब्लम आजकल हो रही है, जो काफी सारे बच्चों ने डिमांड भी करी थी कि मैम इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो कुछ चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। मे बी आपको इससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि आप लोग जब अपना फोन यूज करते हैं ना, तो आपके फोन की जो लाइट होती है वो फुल मोड पे होती है। तो पहले तो स्क्रीन की जो लाइट है उसको जरा रीडिंग मोड पर लेकर आइए, ताकि जब आप अपने फोन को रीड करें तो आप प्रॉपरली उसको रीड कर पाओ, ठीक है। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि हम लोग कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं और लाइट्स ऑफ करने के बाद में बड़े सुकून से इत्मीनान से लेट के आराम से मैसेज करते हैं, राइट। पर इससे पता है जो रिफ्लेक्शन है ना उस लाइट का, वो हमारी आंखों में बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। तो जरूरी है कि जब भी आप अपना फोन इस्तेमाल करें रूम की लाइट ऑन होनी चाहिए। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम लैपटॉप पे रीडिंग कर रहे होते हैं, फोन पे थोड़ा देर तक के लिए कोई पीडीएफ रीड आउट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पेक्स यूज करने चाहिए। आप देख सकते हो कि मैंने वो स्पेक्स यूज किए भी हुए हैं। ये वाले जो स्पेक्स है ना, ये होते हैं ब्लू रे वाले, तो इनको ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी आईज जो है वो प्रोटेक्टेड है। भैया समझो, सीधी सी बात है, ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये मत सोचा करो 200 रुपए का 300 रुपए का ले लें काम चल जाएगा। आंखें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1000 रुपए तक भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक तरीके से आपके लिए सेविंग ही है, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम चीजों को रीड आउट तो कर रहे होते हैं लेकिन रीड करते करते आंखों में थोड़ी सी चुभन होने लगती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से बीच बीच में अपनी आईज को एक बार से वॉश जरूर कर लिया करिए। ये कुछ चीजें हैं, उम्मीद करेंगे कि इनको यूज करने से आपकी जो आईज है वो थोड़ा सा बेटर और रिलीव्ड फील करेंगी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो टिप्स हैं ये पसंद आई होंगी।